असलम डेर लर्नरस एंड वेलकम इन द वीडियो बात हो रही है बिज़नेस की ग्रोथ की हमने इससे पहले बात की कि बिज़नेस जब आपने ग्रो करना है तो आपने इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल को जहन में रखना है अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को जहन में रखना है और आपके पास जो ऑन्टपिन रिसोसेज हैं उनको भी जहन में रखना है फिर इसके बाद हमने बात की कि जब आप ग्रोथ स्टेज के ऊपर जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होती हैं आप एक्विजिशनल मर्जर्स में जा सकते हैं वो भी आपकी ग्रोइंग स्ट्रेटी है Uh, इस पार्ट थ्री के अंदर बेसिकली हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि आपने अगर ग्रोथ uh, का डिसीजन लेना है तो हमारे पास दो ऐसे स्ट्रेटजिक टूल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं वैसे तो ये मैनेजमेंट की किताब में आपको मिलते हैं लेकिन बींग पे अगर आपने डिसीजन लेना है uh, कि आपने ग्रो किस तरह से करना है कौन से प्रोडक्ट uh, में इन्वेस्टमेंट करना है कौन सी प्रोडक्ट को में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कौन से प्रोडक्ट को बंद करना है कौन सी नई प्रोडक्ट में जाना है uh, कितना रिस्क इन्वॉल्व है तो ये जो दो स्ट्रेटेजिक टूल्स हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड ये आपको बहुत हेल्प करेंगे यानी आपके लिए डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा आसान बना देंगे ज़्यादा लॉजिकल uh, uh, बना देंगे और यही हमारा एजेंडा है हमने आपसे दो टूल्स एक बी सी जी मेट्रिक्स और एक एंडसॉफ्ट मेट्रिक्स को डिस्कस करना है और इन दोनों टूल्स को आप अपने ग्रोइंग स्टेज uh, की डिसीजनज हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं पहले सबसे पहले हम बात करते हैं बी सी जी मेट्रिक्स की विच इज़ डिवेल्प बाई बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इसको आ, बोस्टन या इसको ग्रोथ शेयर मेट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है और ये एक स्ट्रेटिकल टूल आपको हेल्प करता है कि आपने किस एक प्रोडक्ट और मार्केट में ग्रो करना है आपके पास इस एक टूल को अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको नजर आएगा कि आपके पास दो यार्ड स्टिक्स हैं एक मार्केट ग्रोथ रेट है और दूसरा रेलेटिव मार्केट शेयर मार्केट ग्रोथ रेट के ओवरऑल मार्केट कितना ग्रो कर रही है और जो रेलेटिव मार्केट शेयर है उसका मतलब यह कि आपका उस ग्रोइंग मार्केट में कितना शेयर है तो आपके पास चार चॉइसेस अवेलेबल हैं आपकी प्रोडक्ट किसी ना किसी एक ऑप्शन पर आ रही होगी हम सबसे पहले स्टार की बात करते हैं अगर आप स्टार पर देखें तो स्टार में आपको नजर आएगा कि ये एक ऐसी यानी अगर आपकी प्रोडक्ट एक स्टार प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मार्केट का ग्रोथ रेट हाई है और फिलहाल आपका जो रिलेटिव मार्केट शेयर है वो भी हाई है यानी कि यूजुअली जो मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ हम देखते हैं ना कि आप एक मार्केट में जाते हैं और अब आपने मार्केट का सबसे बड़ा शेयर कैप्चर कर लिया है और मार्केट भी जो है वो अपनी इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के अंदर सही तरह ट जिसे कहते हैं ना टका के ग्रोइंग स्टेज के ऊपर चल रही है तो आप एक स्टार फेस के अंदर हैं आपके पास बहुत रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और आपकी जो स्टार प्रोडक्ट है आपने इस प्रोडक्ट को आप नई नई मार्केट्स में लॉन्च करना है या इसके अंदर और एडवर्टिजमेंट करनी है या आपने अपनी पनाबली को इंश्योर करना है डिपेंडिंग अपॉन यू इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर बाजा होती है ताकि आप अपना मेंटेन कर सकें अपना रिलेटिव मार्केट शेयर और अगर तो मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल आ गया आपके पास तो फिर बाजात आपको इतनी भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है एडवर्टीजमेंट के लिए बिकॉज आप पहले ही मार्केट के लीडर बन जाते हैं सो so, जब हम बात करते हैं आपकी प्रोडक्ट अगर स्टार के अंदर हो तो मार्केट रेट भी आपका ग्रो कर रहा है आपका रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है तो आप अच्छे रेवन्यूज जनरेट करेंगे अब आप अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रैटी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी फिर आ जाते हैं जिसमें हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क ये है कि आपका मार्केट ग्रोथ रेट तो बहुत हाई है लेकिन आपका रिलेटिव मार्केट शेयर अभी बहुत लो है अच्छा ये जो क्वेश्चन मार्क है अगर आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे लाई कर रही है जिसमें मार्केट तो बहुत ग्रो कर रही है लेकिन फिलहाल आपने मार्केट को कैप कैप्चर नहीं किया हुआ तो उसके लिए आपको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है लेकिन इफ़ यानी कि अगर आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आप क्वेश्चन मार्क पर हैं तो आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आपने मार्केट में पैने कर रहे हैं और अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना है इसमें जहन में याद रखिएगा कि आपके रिटर्न आपके रेवेन्यूज़ फ़िलहाल कम होते हैं क्यों बिकॉज एज़ कम्पेयर टू योर कंपेरिटर्स अभी आपके पास कम मार्केट शेयर होता है मार्केट में दम पूरा होता है बिकॉज मार्केट का जो ग्रोथ रेट है वो फिलहाल हाई जा रहा होता है तो यूजुअली जो आप नई नई प्रोडक्ट अपनी एफिंग एन अपने लॉन्च कर रहे होते हैं बेसिकली वो क्वेश्चन मार्क ही होते हैं कि ग्रोइंग आपकी फर्म वो ग्रोइंग आपकी मार्केट है तो आपको नए आइडियाज़ आ रहे हैं और आप नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो फिलहाल आपने अभी मार्केट शेयर कैप्चर नहीं किया होता इसमें आपके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो न, होते हैं ना मार्केटिंग एक्सपेंस वो ज़्यादा होते हैं सो इफ यू रियली वॉन्ट टू ग्रो एंड इफ योर प्रोडक्ट लाइज विद इन दिस क्वेश्चन मार्क तो इट मीन्स कि आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है कि आपने मार्केट में पैनिट्रेड करना है फिर हम बात करते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट एक कैश का प्रोडक्ट बन गई हुई है कैश का प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आपका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्केट स्लो हो चुकी है अगेन इंडस्ट्री लाइफ साइकिल रिमेंबर सो इंडस्ट्री जो है ये अपनी मेचोरिटी है पे है या अपने डिक्लाइन के ऊपर है मार्केट का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आपके लिए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही होती हैं आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है मार्केट ऑलरेडी स्लो हो चुकी होती है आपको ऑलरेडी मार्केट का शेयर सबसे ज़्यादा होता है सो so, एक्चुअली में ये आपकी वो प्रोडक्ट होती है जो आपके लिए ढेर सारा रेवेन्यू जनरेट करती है आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है और आप जो है अच्छा खासा इसी जिसको कैश का कहा जाता है ना अच्छा खासा इसमें से रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं बिकॉज आपका शेयर सबसे ज़्यादा होता है मार्केट का ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाता है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत से लोग इस इस टाइम पर मार्केट को क्विट कर रहे होते हैं सो so आप इस टाइम के ऊपर मार्केट से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं क्या आपने इस मौके पर जबकि मार्केट का ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है और आप ऑलरेडी मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं कि आप अपनी इसी सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से एक्सपैंड करना चाह रहे बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे कि नहीं करना चाह रहे नाउ डिपेंड्स अपॉन यू और आखिर में हमारे पास आ जाती है द डॉग कैटेगरी जिसमें आपका ग्रोथ भी नहीं है मार्केट के अंदर और आपका रिलेटिव शेयर भी सबसे कम है अच्छा इतना मुश्किल हो गया है कि आपका बिजनेस आपकी प्रोडक्ट आपके लिए ब्रेक इवन भी अचीव नहीं कर रही है क्या ऐसी प्रोडक्ट के साथ आप अपना बिजनेस एक्सपेंशन चाहेंगे नो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आपका रिलेटिव शेयर भी मार्केट में बहुत कम है और मार्केट की ग्रोथ रेट भी बहुत कम है तो ऐसे मौकों के ऊपर बाजा आपका अगर तो वन प्रोडक्ट बिजनेस है यानी आपके बिज़नेस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है तो बाजाओक जो क्लोजर डिसीजन है ना बिजनेस क्लोजर डिसीजन वो इस कैटेगरी के इस डॉक कैटेगरी में किए जा रहे होते हैं यानी कि कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो सोचें या तो प्रोडक्ट डिजाइन करें या अपनी मार्केट चेंज करें ठीक है आ, या फिर अपने बिजनेस को क्विट करें इससे पहले कि आप और मज़ीद नुकसान उठाएं बिकॉज अगेन मार्केट ग्रोथ रेट बहुत लो होती है सो so अगेन ये एक टूल ऐसा है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ना डिसीजन मेकिंग बड़ी एविडेंट uh, हो जाएगी एविडेंस बेस्ड हो जाएगी आपको आसानी होगी इवेल्युट करने के लिए अपने डिसीजन को एनसॉफ्ट मेट्रिक्स भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक टूल है जिसमें प्रोडक्ट और मार्केट एक्सपेंशन को देखा जाता है एनसॉफ्ट ने ही इसको डिवेलप किया था नाइनटीन फिफ्टी सेवन में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में फर्स्ट टाइम ये जो मॉडल है ये पब्लिश हुआ था लेकिन ये मॉडल आज भी काफ़ी ज़्यादा कार आमद है ये मॉडल इस तरह का नज़र आता है अच्छा इस मॉडल के अंदर आपने देखा होगा कि मुख्तफ एक्सपेंशनस की आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं जिसमें आपके पास मार्केट डेवलपमेंट है मार्केट पेनिट्रेशन है प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और डायवर्सिफिकेशन है आप क्या करना चाहते हैं बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन आपको मुख्तलिफ मिक्स एंड मैच बताए गए हैं सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट डेवलपमेंट की अगर इफ यू रियली वॉन्ट टू ग्रो यूर बिजनेस और याद रखिएगा हर एक कैटेगरी के साथ रिस्क इन्वॉल्व है हाई लो मॉडरेट हाई टू लो लो टू हाई डिपेंड कर रहा होगा बिकॉज ग्रोइंग स्टेज के ऊपर जो डिसीजन होते हैं हमेशा वो ट्रिकी होते हैं रिस्की होते हैं अगर आप मार्केट डेवलपमेंट की बात करें तो बेसिकली आप मार्केट डेवलपमेंट के अंदर क्या कर रहे होते हैं आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होती है यानी अपने प्रोडक्ट के अंदर आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं आप अपनी सेम प्रोडक्ट उठाइए और सेम प्रोडक्ट उठा के किसी नई मार्केट में जाके इंट्रोड्यूस करवा दें अगर आपने किसी एक मोहल्ले में दुकान खोली हुई थी तो आप देखते हैं कि अक्सर ये जो जितने भी हम फ्रेंचाइज देखते हैं क्या देखते हैं कि अगर एक जगह पे खुली है वो चल रही है तो सेम प्रोडक्ट उन्होंने किसी और एरिया में जाके ओपन कर दिया है वहाँ पर भी चल गई तो फिर वो किसी और एरिया में चले गए वहाँ भी चले गई तो फिर किसी और प्रोविंस में चले गए प्रोडक्ट में आप कोई चेंज ना करें अपनी मार्केट चेंज करते रहें ये जो मार्केट डिवेलपमेंट है इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है बाजार आप नई मार्केट में जाते हैं वहाँ आपका ब्रांड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो आपकी जो दूसरी मार्केट है बाज़ुकात तो उसके ऊपर इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है ठीक है सो so आपका जो रिस्क लेवल है दैट इज मॉडरेट टू हाई डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी मार्केट चूज की है फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास मार्केट पेनीट्रेशन पैली थी डेवलपमेंट और अब है पेनीट्रेशन पेनीट्रेशन में आपका फोकस बड़ा क्लियर है आपने कैसे ग्रो करना है आपने एक लार्जर मार्केट शेयर कैप्चर करना है ना अपनी प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं ना आप अपनी मार्केट चेंज कर रहे हैं लेकिन आपको मालूम है कि मार्केट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांस है ग्रो करने का इसीलिए आप चाहे अपनी मार्केटिंग बढ़ा दें चाहे अपनी सेल्स फोर्स हायर करें चाहे नई आउटलेट्स आप ओपन करें आपका एक ही मकसद होता है ग्रो करने का ग्रो कैसे करना है इस तरह से करना है कि एक बड़ा मार्केट शेयर सेम मार्केट में एक बड़ा मार्केट शेयर आपने कैप्चर करना है Uh, इसके अंदर चूंकि आप मार्केट में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट भी आपकी एग्जिस्टिंग होती है रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता यू कैन से लो या मॉडरेट टू लो या लो टू मॉडरेट वट एवर बट अगेन चूंकि मार्केट आपकी जानी पहचानी होती है और प्रोडक्ट आपकी जानी पहचानी होती है सो तो डिपेंड कर रहा होता है बट मार्केट पेनिट्रेशन क्या है गेट द लार्जस्ट शेयर ऑफ द मार्केट अब आ जाते हैं एक और चॉइस ऑफ ग्रोथ की तरफ एंड दैट इज प्रोडक्ट डिवेलपमेंट प्रोडक्ट uh, डेवलपमेंट ये है कि आपने एक मार्केट में आप ऑलरेडी अपनी चीज़ बेच रहे थे अब आप उस मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अब आप उसी मार्केट में एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दें दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिवेलपमेंट इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है बिकॉज आपकी मार्केट को तो आप अच्छे तरीके से जान जानते हैं आपकी जो मार्केट होती है Uh, वो आपके लिए नई नई होती है लेकिन बाजुकात ऐसा होता है कि आपकी एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी बिक्री होती है साथ ही एक और प्रोडक्ट लाइन लेकर आते हैं और प्रोडक्ट लाइन बुरे तरीके से फ्लॉप हो जाती है सो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर या आपका प्रोडक्ट आइडिया आपके पास प्रोडक्ट डिवेलपमेंट की ऑप्शन मौजूद है और आखिर में है डाइवर्सिफ़िकेशन जिस तरह के हमने पहले भी एग्जाम्पल दी थी uh, कि डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि आप बिल्कुल एक नई प्रोडक्ट लेके बिल्कुल एक नई मार्केट में चले गए हैं

मार्केट पेनीट्रेशन प्रोडक्ट डिवेलपमेंट या डायवर्सिफिकेशन सी इस टूल ने आपके लिए कितना आसान कर दिया कि कोई अगर आपसे ये पूछे कि हाउ यू वॉन्ट टू ग्रो योर बिजनेस तो आप उसका एक जवाब सक, दे सकते हैं कि आई वॉन्ट टू डिवेलप न्यू मार्केट और आई वॉन्ट टू पेनिट्रेट इन टू द मार्केट फॉर अ लार्जर शेयर और आई वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई माई बिजनेस और आई वॉन्ट टू डिवेलप अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द सेम मार्केट सी यून द नेक्स्ट वीडियो